हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे रोस्टेड चिकन। चिकन के साथ खाने के लिए स्पाइसी चटनी बनाने के लिए हमने लिया है हरा धनिया, जिसे हमने साफ करके अच्छी तरह से धो लिया है। एक लिया है हमने प्याज, तीन हरी मिर्ची, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो हरी मिर्ची बढ़ा भी सकते हो। एक लिया है टमाटर, इसमें हम डालेंगे हाफ लेमन का जूस, और एक टेबलस्पून हम डालेंगे दही। इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, और इसे पीस लेंगे। हमारी चिकन के साथ खाई जाने वाली हरी चटनी, स्पाइसी हरी चटनी बनके तैयार है। रोस्टेड चिकन बनाने के लिए हमने ये 8 लेग पीस ले लिए हैं। इसमें हम डाल लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसमें हम डाल लेंगे 1/4 कप दही, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा चाट मसाला। ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। हम इन्हें हाथ से अच्छी तरह से कोट कर देंगे सारे चिकन को। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा लेमन जूस, 1 टेबलस्पून। और डाल देंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। अब हम इसे कवर करके 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। इसमें से मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमने एक बेकिंग ट्रे ले लिया, इसे हम ग्रीस कर लेंगे। हम अपने सभी चिकन के पीसेस इसमें लगा देंगे। और अपनी थोड़ी थोड़ी मैरिनेशन इसके ऊपर डाल देंगे। हम अपने ओवन को 170 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीटिंग के लिए लगा देंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री पे एक बार 20 मिनट के लिए लगा देंगे। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने चिकन को निकाल कर देखेंगे। हम इसे एक बार पलट कर फिर से देखने के लिए
रोस्ट होने के लिए रख देंगे। इस पे हम डाल देंगे थोड़ी सी मैरिनेशन। और डाल देंगे एक चाट मसाला। और इसे हम फिर से 170 डिग्री पे 20 मिनट के लिए लगा देंगे। हमारा चिकन रोस्ट हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल पक चुका है, अंदर से कितना जूसी है, ये बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हुआ है। देखा आपने कितना बनाना आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए।